खूबसूरत लोकेशन में हम लोग एक दिन स्टे कर चुके हैं और भी दो दिन यहाँ पे रहना बाकी है। लेविन टूना क्लब महिंद्रा रिसोर्ट है ये गैंगटॉक में, काफ़ी प्यारा लोकेशन है, एकदम रिवर के साइड में, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे पार्क है, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए खेलने के लिए किड्स रूम भी है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। का मौसम कितना गजब का है, एक बार देखिए, पूरा पहाड़ों से धुआं निकल रहा है। धुआं है, फॉग है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे बैठ के पहाड़ों के बीचों बीच। अभी फ्रेश होके नाश्ता करने के बाद हम लोग गैंगटॉक का लोकल्स घूमने जाएंगे। लेकिन सुबह से हल्का हल्का बारिश टुपुर टुपुर चल रहा है, तो क्या करेंगे, बारिश होने से भी घूमने तो जाएंगे। आप एक बढ़िया सा टाइम लैप्स देखिए और मज़ा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता रेडी करता हूँ और फिर बताता हूँ कि नाश्ते में क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्सो, आज है गैंगटॉक में हमारा डे टू और हमारे नाश्ते में है पोहा और ये छोटुआ हमारा लोकल एक चूड़ा है। और चूड़ा पोहा तो आपको पता है, जो पैकेट वाला पानी डालो और फिर नाश्ता रेडी बस गर्म पानी डालने से और हो जाता है रेडी। मेरे साथ तो हमेशा मेरा साथी है ये, अब तो देखे हैं गोवा ट्रिप में भी, कोरापुट ट्रिप में भी, हाँ दृष्टि भी है, हम नहीं बनाए हैं लेकिन मतलब रेडी किए हैं हम लोग, प्रिपेयर किए हैं हम लोग, खरीदा हुआ नहीं है, खरीदा हुआ। हाँ वो जो नाश्ता बड़ा और डोसा वोसा खा के ना हालत ख़राब हो जाता है हमारा, लंच डिनर तक ठीक है लेकिन ब्रेकफास्ट थोड़ा इशू होता है, इसलिए ये हमारा साथी है। लव यू गाइस। तो रेडी हो गए सब लोग? ओ हेलो, बहुत लेट कर दी, 8 से 9, 9 से 10 अभी हो रहा है टाइम, 11:13। चलो देखते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चा बाड़ी? पता नहीं कहाँ जा रही है, कुछ कर रहे हैं। भैया को बता, कहाँ लेके जा रहे हैं भैया? रुमतेक, रुमतेक मोनेस्ट्री पहला स्पॉट। तो रुमतेक मोनेस्ट्री काफी बड़ा मोनेस्ट्री है यहाँ गैंगटॉक में, हमारे रिसोर्ट से 50 किलोमीटर के दूरी में है ये। पूरा गैंगटॉक सिटी का व्यू है, वो काफी प्यारा नजारा है, इसे कैद करना चाहिए। पहुंच गए रुमतेक मोनेस्ट्री, यहाँ गेट में अपना आईडी दिखाना होता है और आगे चलना होता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के करीब ऊपर की तरफ चढ़ाई करना होगा हमको, रोड है ऐसा सीधा। पा रहे हो? हाँ, 1 किलोमीटर के करीब चलना पड़ रहा है बच्चों को, सबको चलना पड़ता है, नहीं चलना जरूरी भी है। हाँ। चल चल के जाओगे या गोदी में जाओगे? गोदी में। काफी बड़ा मोनेस्ट्री है रुमतेक मोनेस्ट्री, कैमरा तो अंदर लेके नहीं जा सकते, यहाँ बाहर ही जितना शॉट लेना है ले सकते हैं। काफी ध्यान लगा के मॉन्ग सब कुछ बना रहे हैं, शायद कुछ पूजा आने वाला है, मैं तो समझ नहीं पाया क्या बोले, लेकिन कुछ पूजा आने वाला है उसके लिए कुछ बनाना चल रहा है इनका। क्या फेंके? कॉइन, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट, पहले उससे पहले फेंका था, शॉट नहीं लिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 बार हुआ था लगातार, 1-2। चलो उसे फेंकने से क्या होता है वहाँ पे?
पता नहीं सब फेंक रहे थे, मैं फेंक दिया। कुछ तो गुड लक होगा ना। मानना ये है कि फेंकने से कुछ मनोकामना जो है पूरा होता है, आपका अच्छा अच्छे दिन शुरू हो जाता है। अच्छे दिन। ओके। रुमतक मनश्री नकर्मश्री नालंदा इंस्टीट्यूट कैसा लगा घूम के? बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल। सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस है रुमतक मोनेस्ट्री। यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं और एक वाटरफॉल है वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग लंच करेंगे। यहाँ रास्ते में एक मोनेस्ट्री है, उसके सामने एक सिकमिस फूड मिलता है अच्छा वाला, ड्राइवर भाई साहब बता रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये जंगल भीगा भीगा है, हवा भी ताजा ताजा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों। जगह को देखिए एक बार, कितना सुंदर जंगल है। ये हमारा गाड़ी है और एक वाटरफॉल भी है छोटा सा, बहुत सुंदर जगह है। अंधेरा अंधेरा, इतना अंधेरा और एकदम वाइल्ड लग रहा है पूरा अंधेरा। देखिए जंगल, एकदम जंगली वाला फील। तो हम लोग आके पहुंच चुके हैं लिंगदुम मोनेस्ट्री में, ठीक सामने ही देख पा रहे होंगे आप। और ये यहाँ पे कोई पीस पगुड़ा है शायद, ये तो रहता ही है, श्री लॉर्ड बुद्धा के सामने ये सब तो रहता ही है। और ये मोनेस्ट्री के अंदर तो कैमरा वगैरह वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ रुमतक मोनेस्ट्री में भी ये पीस पगुड़ा है क्या? दार्जिलिंग वाला, दार्जिलिंग जाएंगे अभी कुछ दिन के बाद। पीस पगुड़ा, लुक एट द प्लेस, मतलब सोचिए कैसा कैसा जगह है यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको। उधर देखो कैसे कैसे चीज देखने को मिल रहा है, उधर देखो, इधर फोटो के लिए पोज क्या दे रहे हो, उधर देखो, दिमाग का दही करके रखा है सुबह से, वीडियो ले रहा हूँ मैं अपने वीडियो के लिए, अपने ब्लॉग के लिए वीडियो ले रहा हूँ मैं, फोटो नहीं है, हट जाओ सीन से, हट जाओ मेरे भाई, हट जाओ। ड्रेस हम खरीद सकते हैं मेडिटेशन के लिए, नहीं साउंड इसका देखिए कितना सुंदर है। अबे देखो मेरे को बदनाम कर रही है, मैं कैमरा पकड़ने के लिए पकड़ाया भाई। दो कैमरा भी पकड़ता हूँ, मैं ही पकड़ता हूँ। ये गाड़ी खोल दीजिए थोड़ा, ये डालना है अंदर। कौन सा अपना गाड़ी? ये वाला। अच्छा ये है। अच्छा बैग में ये बहुत सारा सामान हम लोग खरीद लिए हैं यहाँ पे। वो जो गोल वाला जो क्या था, वो मेडिटेशन का जो था ना, वो जो बुद्धा लोगों का जो म्यूजिक वाला, वो भी लिया हुआ है। ये है लिंगदुम मोनेस्ट्री और उसके ठीक सामने यहाँ पे फूड कॉर्नर, सिक्किमिस फूड। क्या सिक्किमिस फूड? क्या सिक्किमिस फूड? ये चावल, ये कुछ साग है सिक्किमिस लोकल साग करी के साथ, ये गुरखे चटनी, और ये सिक्किम स्टाइल नेपाली स्टाइल में, सिक्किमी स्टाइल में चिकन है ये चावल, ये टमाटो चटनी, ये पापड़ खाए जाओ। हाँ करो, शुरू करो, शुरू करने के लिए कौन रोका है। ये तो फेवरेट है सिक्किम में, यही फेवरेट है ये चटनी, भयंकर है ये चटनी। बस हमेशा की तरह चिकन का पहला बाइट मुंह में जाते हुए
तो बंसर कुकड़ा है, बंसर बंसर कुकड़ा है इसका नाम। टाइट है, अच्छा एकदम लाइट। यहाँ पे देखो इसमें मसाला ही नहीं दिया जैसा लग रहा है। ये तो देखा ऐसा पड़ता है बम बम, लेकिन ये छोड़ नहीं सकते। बम पड़ने से भी तो खाना पड़ता है, भयंकर है। ओनली चटनी और चावल ही खा सकते हो, सही में इतना टेस्ट बढ़िया है उसका। चिकन मोमो है, कौन ऑर्डर किया था, खा लो। चटनी चावल काफी है, काफी है, काफी है। आज साइट सीइंग करने के लिए हम लोग निकले थे 12 बजे, एक ही स्पॉट घूमे रूम तक मनुष्य, उसके बाद आके लंच किए। और ये इत्तफाक से ये यहाँ आना नहीं था, लेकिन ये जो मनुष्य है यहाँ आना पड़ा क्योंकि लंच करना था। यहाँ पे अच्छा लंच मिलता है बोल के बोले नीचे, इसीलिए यहाँ पे आना पड़ा। मतलब आप सोचिए आज गैंगटॉक में हम एक ही स्पॉट घूमे हैं, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम यहाँ पहले भी घूम चुके हैं। दीदी लोग आराम से घूम रहे, घूमने दो हमें, क्या है, हम तो ब्लॉग बनाएंगे भाई, बना दियो जो भी हो बना दो, बना दो। तो पीछे फोटो सेशन चल रहा है, लंच में भी खत्म हो चुका है, यहाँ पे मस्ती भी चल रहा है, यहाँ पे रील भी बना रहे हैं बोल के सोच रहे हैं, हालांकि नहीं बन रहा है रील। अब यहाँ से ये निकलेंगे। वो एक वाटरफॉल था, क्या नाम था उसका, रंगभेरी क्या, जंगभेरी, जंगभेरी, क्या वहाँ जाएंगे, वेरी जम या कैसे, मेरी जम क्या ऐसे था, एक वाटरफॉल। नहीं बैठ रहा है, आप ऐसे बैठोगे, थोड़ा थोड़ा घूमोगे, थोड़ा बैठोगे तो कैसे घूमोगे, गैंगटॉक कैसे घूमोगे आप बोलो। तो वाटरफॉल, अबे यहाँ पे देखो ये लोग आगे खड़े होके नाच रहे हैं यार, क्या रील चल रहा है क्या, यहाँ पे रील चल रहा है क्या, बन जकरी वाटरफॉल है उसका नाम। मेरे को मार भी दिया अभी जड़ी में, देखो अपने मामी को गाली दे रहा बोल के मार दिया मेरे को आगे। तो बन जकरी वाटरफॉल उसका नाम, अभी वहाँ पे जा रहे थे, जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं पता नहीं। greenery of Sikkim, the trees, the environment and fresh air. Oh yeah, here awesome actually. Pollution free, very nice area. We love it. Please hear something about Odisha. Odisha. Are there most worshipped temples are famous? Temples. More than 700 temples are there. Oh really? More than 700 ancient temples. Very. दोस्तों आज दोनों मॉनेस्ट्री घूमे, दोनों मॉनेस्ट्री बहुत ही खास रहा, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किए यहाँ पे, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगला ब्लॉग मिस मत कीजिए क्योंकि यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं बेन जकरी वाटरफॉल, काफ़ी बढ़िया जगह है दोस्तों। तो ये ब्लॉग तो यहाँ पे ख़त्म है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।